नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट फिनिक्स प्रो स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है अमेजोन पे और आपको मिलती है केवल 1649 में। तो स्पेक्स और फीचर्स के हिसाब से जो प्राइस है इसकी काफी बढ़िया है। ये है कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें है 1.39 इंच का डिस्प्ले, इसमें है वॉइस असिस्टेंट और ये है IP67 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। इसके अलावा इसका जो केस है मेटल का है, एल्यूमिनियम एलॉय का। इसके स्ट्रैप सिलिकॉन के हैं 22mm के। इसमें आपको मिलता है SPO2 एंड हार्ट रेट सेंसर, बैक में 2-पिन चार्जिंग स्लॉट। इसके अलावा बात करेंगे अदर स्पेक्स की तो इसमें है स्मार्ट नोटिफिकेशन, कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल, इनबिल्ट माइक और स्पीकर है कॉलिंग पर्पस के लिए, वेदर अपडेट। इसके अलावा 123 स्पोर्ट्स मोड है इसमें। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसमें है 220mAh की बैटरी, इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 आवर्स, आपको मिलेगा 5 डेज का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 डेज का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में, या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और इसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और उसे होल में अलाइन करना है इस तरीके से। इस वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो उसके लिए आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, जब लोगो दिखाई देगा फायरबोल्ट का तब आपको अपनी उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच हो चुकी है स्विच ऑन, अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है दाफिट। इसे आपको डाउनलोड कीजिए, आपको इसे करना है ओपन। आपको यहाँ पे मेल फीमेल चूज करना है, इसके अलावा आपकी बर्थडे आपको सेट करनी है, आपकी हाइट सेंटीमीटर में, आपका वेट kg में सेट कीजिए, टिक पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, ऊपर में लिखा होगा टू ऐड, आपको टू ऐड पे टैप करना है, वाइल यूजिंग दी ऐप पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाए। इसके बाद आपको यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे शो करेगा फायरबोल्ट 100, तो आपको फायरबोल्ट 100 पे टैप करना है और जाना डिवाइस के टैब में। यहाँ पे शो करेगा बैटरी लेवल, मतलब कि समझ जाना कि आपकी जो वॉच है पेयर हो चुकी है। इसके बाद आपको मिलेगा ये कॉलिंग का पॉपअप, मतलब कि कॉलिंग के फीचर को ऑन करने के लिए तो आपको पेयर पे टैप करना है। इसके बाद आपकी वॉच में अब आप कॉल को भी रिसीव कर पाओगे। अगर आपके फोन में ये पेयरिंग का पॉपअप नहीं आया तो आपको जाना है अपने फोन के BT सेटिंग्स में, BP लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे नीचे अवेलेबल डिवाइसेस में शो करेगा फायरबोल्ट 100 ऑडियो, आपको इस पे टैप करना है और करना है पेयर। उसके बाद आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव कर पाओगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको किस तरीके से वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ डिफॉल्ट वॉच फेस दिए गए हैं जिन्हें आप वन टैप में चेंज कर सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर आपको वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई करना है तो आपको लास्ट में जाना है फेस गैलरी पे, इस पर टैप कीजिए। यहाँ पे आपको मिलते हैं 150 प्लस वॉच फेसेस, आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको इस पर टैप करना है। मुझे डाउनलोड करना है एक ऐसा वॉच फेस जिसमें बैटरी परसेंट भी शो करे, तो यहाँ पे 2-3 वॉच फेस ऐसे है जिसमें बैटरी परसेंट शो किया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इन तीनों में बैटरी परसेंट शो कर रहा है, तो मैं इस पर टैप करके इसे करूंगा डाउनलोड। तो आप इस तरीके से अपने किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी खुद की फोटो भी सेट कर सकते हो वॉच फेस पे, तो वॉच फेस नंबर 2 पे लिखा होगा एडिट, आपको उस पर टैप करना है। यहां पे आपको मिल जाते हैं बैकग्राउंड प्रीसेट जिन्हें आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको खुद की फोटो सेट करनी है तो यहां पे है चूज फ्रॉम एल्बम, उस पर टैप कीजिए, गैलरी को ओपन कीजिए। जिस किसी फोटो को आपको सेट करना है आपको उस पर टैप करना है। मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पर टैप करूंगा। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर सकते हो, फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम जो ऊपर में शो कर रहा है आप उसे नीचे भी कर सकते हो, तो आपको करना है टाइम पोजीशन, टैप करके मैं करूंगा इसे बिलो, मतलब कि टाइम नीचे शो करेगा। इसके अलावा टाइम के ऊपर और टाइम के नीचे आपको क्या शो करना है, तो यहां पे है अबो टाइम बिलो टाइम। टाइम के ऊपर मैं चाहता हूं शो करे स्टेप्स और टाइम के नीचे मैं चाहता हूं शो करे डेट। इस तरीके से आप अपने हिसाब से 2 चीजों को शो कर सकते हो टाइम के ऊपर नीचे, और जो कलर है टाइम का उसे आप चेंज कर सकते हो यहां से, फिर आपको करना है सेव पे टैप।
तो इस तरीके से आप किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। तो जो फोटो है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। आप अपनी वॉच में एक साथ 10 वॉच फेस को प्लेस कर सकते हो। हालांकि 8 वॉच फेस फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। वॉच फेस नंबर 2 और जो 10 है वही चेंज होते हैं। आप अपनी वॉच के जरिए भी जो वॉच फेस है उसे चेंज कर सकते हो। आपको वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करना है और इसे स्वाइप करना है। वॉच फेस को चेंज करने के लिए आपको जिसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए इस तरीके से। आगे है नोटिफिकेशन, तो इस पर टैप कीजिए। फोन मैसेज को आपको ऑन करना है, परमिशन को अलाउ कीजिए ताकि आप जो कॉल्स है और जो SMS है देख सको अपनी वॉच में भी, अलाउ कीजिए। इसके बाद इन एप्स में से आपको कौन कौन सी एप्स की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है आपकी वॉच में, आपको उन एप्स को ऑन करना है। मैं चाहता हूं ट्विटर आपको इनेबल करना है। दा फिट को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो ये कुछ एप्स दिए गए हैं। हालांकि अगर आप चाहते हो आपके फोन में जितने भी एप्स है उन सभी एप्स से अगर कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपकी वॉच में भी रिसीव हो, तो आपको अदर्स को ऑन करना है। लेकिन मैं अदर्स को ऑन नहीं करूंगा। अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आपको अदर्स को ऑफ ही रखना है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से आपको कॉल शो करेगा, कॉन्टेक्ट का नाम है, नंबर शो करेगा और आपकी वॉच में रिंगटोन और वाइब्रेशन होगा। आप इस रिंगटोन को म्यूट नहीं कर सकते तो जो रिंगटोन होगी वो प्ले होती रहेगी। आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शंस, कॉल को कट करने का और इसे एक्सेप्ट करने का। तो आपको मिलेंगे अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस। तो कॉल के वॉल्यूम को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से स्लाइड करके। इसके बाद एक कॉल को स्विच करने का ऑप्शन, तो जो कॉल है अब चल रहा है वॉच में। आप चाहते हो कॉल चले फोन में तो आपको इस पे टैप करना है। अब जो कॉल है स्विच हो जाएगा फोन में। अगर आपको वापस आना है वॉच में तो टैप कीजिए। इस तरीके से आप कॉल को स्विच कर सकते हो, वॉच टू फोन, फोन टू वॉच। और ये है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन। तो अगर आप चाहते हो सामने वाले को आपकी आवाज ना जाए तो आपको इसे ऑन करना है। आपकी वॉच में हो जाएगा माइक म्यूट। और एंड में है कॉल को कट करने का ऑप्शन। इस वॉच में साइलेंट मोड का फीचर नहीं है, मतलब कि अगर कोई भी कॉल आता है आपकी वॉच में तो उसमें रिंग बजेगी ही, आप रिंगिंग को म्यूट नहीं कर सकते। हालांकि एक तरीका है, तो जब भी कॉल आएगा तो आपने अगर अपनी वॉच को पहना होगा तो आपको नीचे की ओर से इस तरीके से प्रेस करना है स्पीकर को ब्लॉक करने के लिए। इस तरीके से ब्लॉक कीजिए, ब्लॉक करोगे तो जो रिंगटोन है कंप्लीटली म्यूट नहीं होगी लेकिन जो इसका थोड़ा साउंड है हल्का हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं आप किसी मीटिंग में हो या ऐसी जगह पे हो जहां पे आप नहीं चाहते कि आपकी वॉच में रिंगटोन बजे, तो आपको अपनी वॉच में कॉल के फीचर को ऑफ करना है। उसके बाद आपकी वॉच में रिंगटोन नहीं बजेगी, आपकी वॉच में होगा केवल वाइब्रेशन। तो कॉलिंग के फीचर को ऑफ करने के लिए आपको अपने फोन में जाना है BT सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे जो है फायरबोल्ट 100 ऑडियो उस पर टैप कीजिए। अभी हो चुकी है अनपेयर, इस तरीके से आप देख सकते हो। कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर शो करेगा, आप इसे यहां से कट कर सकते हो और इस प्रीव्यू को यहां से रिमूव कर सकते हो इस पर टैप करके। और फिर से अगर आपको कॉल के फीचर को ऑन करना हुआ तो इस पे टैप कीजिए फायरबोल्ट 100 पे। इसके बाद कॉलिंग का फीचर आपकी वॉच में ऑन हो जाएगा। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। SMS आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है लेकिन वॉच में डिस्प्ले ऑन होता नहीं है, वॉच करती वाइब्रेट। तो डिस्प्ले को आपको ऑन करना पड़ेगा। और ये है वो SMS जो आपने रिसीव किया है। कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर शो करेगा। हिंदी फॉन्ट पार्शियली सपोर्ट करते हैं लेकिन इमोजी सपोर्ट नहीं करते। आप इस तरीके से मैसेज को रीड कर पाओगे। 6-7 लाइन आपको यहाँ पे शो की जाएंगी। अगर आपने यहां से देखना मिस कर दिया तो फिर आपको करना है स्वाइप अप होम पेज पे। ये रहे आपके SMS, आपको जिसे ओपन करना है उस पर टैप करके आप उसे ओपन करके रीड कर सकते हो इस तरीके से। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। व्हाट्सएप भी आ चुका है लेकिन डिस्प्ले अभी भी ऑन होता नहीं है, वॉच करती है केवल वाइब्रेट। डिस्प्ले को आपको ऑन करना पड़ेगा व्हाट्सएप देखने के लिए। ये रहा वो व्हाट्सएप मैसेज, इस तरीके से आप उसे रीड कर पाओगे। अगर आपने देखना मिस कर दिया यहां पे तो कीजिए होम पेज पे स्वाइप अप और आपको इस तरीके से उसे ओपन करना है रीड करने के लिए। आप अपने यहां पे पिछले 5 मैसेज को रीड कर पाओगे। अगर आपको सभी को एक साथ करना हो क्लियर तो नीचे आपको मिलेगा क्लियर ऑल का ऑप्शन, सभी को एक साथ क्लियर करने के लिए। अलार्म्स का ऑप्शन दिया गया है तो आप यही से अलार्म को ऐड कर पाओगे।
वॉच से आप अलार्म को ऐड नहीं कर सकते, तो अलार्म को ऐड करने के लिए आपको टाइम पे टैप करना है, आवर मिनट इस तरीके से सेट करना है, और कौन से दिन को आपको अलार्म को अप्लाई करना है, दिन को चूज कीजिए, सेव पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप मैक्सिमम 3 अलार्म को ऐड कर पाओगे। जो भी अलार्म आप ऐड करोगे आप देख पाओगे उन्हें अपनी वॉच में भी, और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। आगे शटर मतलब कि कैमरा कंट्रोलर, तो आपको इस पे टैप करना है। वाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा और यहाँ पे ओपन होगा शटर, तो आप टैप करोगे तो 3 सेकंड के बाद आपके फोन में फोटो कैप्चर हो जाएगी। तो आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो अपने फोन में। जो भी फोटो आप कैप्चर करोगे यहां से आप उन्हें देख पाओगे। फ्लैश को आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो और यहां से आप कैमरा को रोटेट कर सकते हो। आगे है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, तो ये है आपकी वॉच में कॉन्टैक्ट्स को सेव करने का ऑप्शन, तो आप एक साथ 8 कॉन्टैक्ट्स को सेव कर पाओगे। तो आपको इस पे टैप करना है, ऐड पे टैप कीजिए। जिस किसी कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है वॉच में आपको उस पे टैप करना है, इस तरीके से टिक हो जाएगी। तो मैं ऐसे 8 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लूंगा, तो मैंने 8 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। फिर आपको करना है डन पे टैप। जिस ऑर्डर में ये कॉन्टैक्ट्स यहां पे शो कर रहे हैं सेम उसी ऑर्डर में आपकी वॉच में भी शो करेंगे। हालांकि आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो, 3 बार पे लॉन्ग टैप करोगे ड्रैग करोगे तो आप इन्हें ऊपर नीचे कर पाओगे इस तरीके से। अगर आपको इनमें से किसी को भी रिमूव करना हुआ तो आपको ऐसे स्वाइप करना है, माइनस के साइन पे टैप करके आप उसे रिमूव कर सकते हो। अगर आपको किसी को ऐड करना हुआ तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए। अगर आपको इसे सेव करना है तो डन पे टैप कीजिए। आपको अपने कॉन्टैक्ट्स में ऐसा कोई भी नंबर ऐड नहीं करना है जिसमें स्टार या हैश हो। अगर ऐसा कोई नंबर होता है तो आपके कॉन्टैक्ट्स आपकी वॉच में सिंक नहीं होंगे। डन शो करेगा मतलब कि समझ जाना कि आपकी वॉच में कॉन्टैक्ट सिंक हो चुके हैं। बैक जाइए। आगे है अदर्स मतलब कि सेटिंग्स। इसमें सबसे पहले है फाइंड डिवाइस। आप इस ऑप्शन के जरिए अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रही है, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, इसमें रिंगटोन बजेगी और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आप अपनी वॉच में टाइम को सेट नहीं कर सकते, जो टाइम आपके फोन में शो कर रहा है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आप जो टाइम फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो, तो यहां पे है टाइम फॉर्मेट, टैप कीजिए। आपको कौन से टाइम फॉर्मेट में टाइम शो करना है, तो यहां पे है 12 आवर या फिर 24 आवर। मैं सेट करूंगा 12 आवर पे, तो मेरी वॉच में 12 आवर टाइम फॉर्मेट में टाइम शो करेगा। आप अपनी वॉच में ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजरमेंट को भी ऑन कर सकते हो, तो यहां पे है कंटिन्यूअस हार्ट रेट, टैप कीजिए। यहां पे आपको टाइमर सेट करना है। मान लेते हैं मैंने टाइमर सेट किया है 20 मिनट, मतलब कि मेरी वॉच में अब हर 20 मिनट के बाद हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा। आप जितना टाइमर यहां पे कम सेट करोगे उतनी ज्यादा बैटरी ड्रेन होगी आपकी वॉच में। तो अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आपको इसे क्लोज पे सेट करना है, मतलब कि इसे यूज नहीं करना है। डन कीजिए। आपकी वॉच में ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर नहीं होगा, लेकिन आप जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो बड़ी आसानी से। आगे है कंट्रोल फोन म्यूजिक। आपके फोन में जो भी म्यूजिक प्लेयर है अगर आपको उसे कंट्रोल करना है आपकी वॉच के जरिए, तो आपको इसे ऑन करना है। यह है बैटरी सेविंग, तो अगर आपको अपनी वॉच में बैटरी को सेव करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 4 चीजें। ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी, वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा, कॉलिंग का फीचर ऑफ हो जाएगा, और जो रेस्ट वेक का फीचर है वो भी काम नहीं करेगा। आगे है ऑटो लॉक मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट, तो यहां पे सेट किया गया है 5 सेकंड्स। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं डिस्प्ले को ऑन किया तो अब ये 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो मैक्सिमम 30 सेकंड तक, लेकिन अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आपको सेट करना है 10 या 15 सेकंड। मैं करूंगा 15 सेकंड। डन। अब इसका मतलब क्या है, डिस्प्ले को अगर मैंने ऑन किया तो अब ये 15 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। जितना टाइमर आप ज्यादा रखोगे उतनी बैटरी ज्यादा यूज होगी आपकी वॉच में। आगे है क्विक व्यू मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर, तो इसे ऑन रखा गया है, मतलब कि अगर आप अपनी वॉच को पहनते हो डिस्प्ले अगर इसका ऑफ है तो बस आपको डिस्प्ले को ऑन करने के लिए अपनी कलाई को ऊपर की ओर टिल्ट करना है, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। इसे कहते हैं रेस्ट वेक का फीचर। आप इसे टाइम के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। आपको ओल्ड ऐप पे टैप करना है, जो टाइम आप सेट करोगे स्टार्ट टाइम एंड टाइम उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अगर आपको इसे हमेशा के लिए यूज करना है तो यहां पे टाइम सेट करना है 12 AM to 12 AM। आप पानी पीने का रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो, जिसे कहते हैं ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, तो आपको इसे ऑन करना है। स्टार्ट टाइम मतलब कि सुबह में आपको कितने बजे स्टार्ट करना है पानी पीना, तो मैं करूंगा सुबह में 9 बजे। आपको कितनी बार पानी पीना है दिन में, मैं करूंगा 6 बार।
और आपको हर कितने टाइम के बाद पानी पीने का रिमाइंडर चाहिए? मैं चाहूंगा 2 घंटे बाद, तो यहाँ पे आपको सेट करना है 120 मिनट, तो मुझे हर 2 घंटे आएगा पानी पीने का रिमाइंडर, ऐसा होगा दिन में 6 बार। आपके वॉच में शो करेगा वेदर, आपको बस यहाँ पे ऐड करना है अपनी सिटी को, तो सिटी पे टैप कीजिए, सर्च कीजिए जैसे कि मुंबई, मुंबई पे टैप कीजिए तो मुंबई का वेदर शो करेगा आपकी वॉच में। और ये है फीमेल लोगों के लिए फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर, मतलब कि पीरियड ट्रैकर, तो अगर आपको पीरियड को ट्रैक करना है तो आपको इसे ऑन करना है और यहाँ पे आपको सभी सेटिंग्स को सेट करना है। और ये है अपग्रेड, तो वॉच के फर्मवेयर को आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो अगर अपडेट अवेलेबल है तो, हालांकि अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे शो करेगा अप टू डेट। अब बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की, तो आपको प्रोफाइल के टैप पे टैप करना है। प्रोफाइल पे टैप करके आप यहाँ से अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट और स्टेप लेंथ, मतलब कि कदमों की लंबाई चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। इसके अलावा ये है गोल, मतलब कि डेली स्टेप गोल, तो आपको डेली कितने स्टेप चलने हैं आप यहां से सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके बाद है बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन गाइड, तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच आपके फोन के साथ बार बार डिसकनेक्ट ना हो और ये जो ऐप है बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करे, तो आपको करनी है 2 चीजें। आपको इस ऐप को ओपन करना है रिसेंट ऐप में, ऐप आइकन पे टैप कीजिए और यहां पे करना है लॉक दिस ऐप। आपके फोन में होगा लॉक का आइकन, ये लिखा होगा कीप ओपन, आपको इस पे टैप करना है, लॉक का आइकन शो करेगा। इसके अलावा आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और आपको करना है पहले पे सिलेक्शन अनरेस्ट्रिक्टेड पे। और आप अपने इस दा फिट ऐप के डेटा को सिंक कर सकते हो गूगल फिट में भी, तो आपको इस पे टैप करके करना है कनेक्ट। और बात करते हैं होम पेज की, तो यहां पे आपको शो किया जाएगा आपका डेली एक्टिविटी और वाइटल डेटा, तो ये है आपके स्टेप्स, स्लीप डेटा, हार्ट रेट, SPO2 और आपके वर्कआउट यहाँ पे शो करेंगे लुक मोर ट्रेनिंग डेटा में। तो जो भी आप वर्कआउट करोगे आपकी वॉच में उसका सारा डेटा यहाँ पे शो किया जाएगा। और ये है स्लीप डेटा, तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में आपका स्लीप डेटा मेजर हो, तो आपको अपनी वॉच को सोने के दौरान पहने रखना है। हालांकि इस वॉच में स्लीप रिकॉर्ड काम करता है रात के 8 से लेकर सुबह के 10 बजे तक। अब देखते हैं आपको किस तरीके से अपने वॉच की वारंटी को एक्टिवेट करना है। तो आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, एड्रेस बार में लेंस का आइकन होगा, आपको उस पर टैप करना है, कैमरा पे टैप कीजिए और ये है वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड पे QR कोड दिया होगा, आपको उसे स्कैन करना है इस तरीके से, और जब URL शो करेगा तब आपको करना है सर्च पे टैप। ये वारंटी फॉर्म ओपन होगा, आपको इसमें एंटर करना है अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपने इस वॉच को कहां से परचेस किया है, तो मैंने किया है Amazon से। और इस स्मार्ट वॉच का नाम आपको यहाँ पे करना है सिलेक्ट, जैसे कि ये है फायरबोल्ट फिनिक्स प्रो BSW 100, उस पर टैप कीजिए और आपको चूज पे टैप करके करना है नो पे सिलेक्शन, उसके बाद कीजिए नेक्स्ट और आपको एंड में करना है सबमिट पे टैप। उसके बाद आपकी वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। आपने वॉच की वारंटी को तो एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो अपनी वॉच में, अगर आपको अपने वॉच के वारंटी को क्लेम करना हुआ, तो आपको गाना के वाउचर पे मिलेगा बैक में इनका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। आप फायरबोल्ट के कस्टमर टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस ईमेल आईडी और नंबर के जरिए। तो हमने इस ऐप के जरिए इस वॉच का सेटअप कर लिया है, अब हम देखेंगे आपको वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके हैं 3 फंक्शंस, तो वॉच फेस पे अगर आप होते हो तो आप इस पे प्रेस करोगे तो डिस्प्ले को आप ऑफ या ऑन कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बैक जाना हुआ, तो आपको इस पे प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप कर पाओगे अपनी वॉच को स्विच ऑफ, आपको टिक पे टैप करना है स्विच ऑफ करने के लिए। बैक जाने का और एक तरीका है, आपको इसे राइट में स्वाइप करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आप अपने जो मैसेज है यहाँ पे रीड कर पाओगे, और होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, बैटरी लेवल, डेट, डे और अभी फिलहाल कितना वेदर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया इस वॉच में बैटरी लेवल परसेंट में शो नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको जो वॉच फेस है ऐसा सेट करना है जिसमें बैटरी लेवल शो करे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो बैटरी लेवल परसेंट में शो कर रहा है। और सबसे पहला जो टॉगल है यहाँ पे वो है बैटरी सेवर का, जो हमने देख लिया था ऐप में। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 4 चीजें। इसके बाद है थिएटर मोड, तो अगर आप थिएटर मोड को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 2 चीजें, ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी और वाइब्रेशन आपकी वॉच में ऑफ हो जाएगा। टॉर्च को ऑन ऑफ करने का टॉगल दिया गया है। इसके अलावा ये है वाइब्रेशन को ऑन ऑफ करने का टॉगल, तो आप यहाँ पे 1 टैप में अपनी वॉच में वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का स्लाइडर। और एंड में है सेटिंग्स, तो आप टैप कीजिए
सबसे पहले है स्टॉपवॉच, उसके बाद है अलार्म, जो भी आपने अलार्म ऐड किया आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे। हालांकि आप उन्हें यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, उन्हें चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आगे है टाइमर, मेनू व्यू, मतलब कि जो मेन मेनू है आपको कौन से व्यू में शो करना है, जैसे कि ये है मेन मेनू, तो मेन मेनू को एक्सेस करने का है एक तरीका, आपको होम पेज पे करना है स्वाइप राइट, ये है मेन मेनू, इसे कहते हैं ग्रिड व्यू। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप इसे कर सकते हो लिस्ट व्यू में, तो हम करेंगे अब लिस्ट व्यू में, तो जो मेन मेनू है इस तरीके से शो किया जाएगा, ये है लिस्ट व्यू। ब्राइटनेस आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो, ये फोन के फीचर को ऑन ऑफ करने का टॉगल, मतलब कि कॉलिंग के फीचर को ऑन ऑफ करने का टॉगल, तो ये ऑन है मतलब कि आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव कर पाओगे। अगर आपको कॉल को रिसीव नहीं करना है तो आप यहां से इसे ऑफ कर सकते हो, ये है कॉल रिसेट। तो अगर आप कॉल रिसेट करोगे तो आपकी वॉच में होंगी तीन चीजें, कॉलिंग का फीचर ऑफ हो जाएगा, आपने जो भी कॉन्टैक्ट सेव किए हैं वो सभी हो जाएंगे डिलीट, और आपकी जो कॉल हिस्ट्री है वो भी हो जाएगी डिलीट। वाइब्रेशन को आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो वन टैप में, और ये है थिएटर मोड, यहां से आप कर सकते हो वन टैप में इसे ऑन ऑफ। इस वॉच को आप कर सकते हो रिसेट, अगर आप रिसेट करोगे तो इस ऐप में इस वॉच में जो भी डेटा है वो हो जाएगा डिलीट। इसके बाद है इस वॉच को स्विच ऑफ करने का ऑप्शन अबाउट, और ये है QR कोड, तो इस कोड को स्कैन करके आप दाफिट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, हमने पहले ही डाउनलोड कर लिया है। होम पेज पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे अलग अलग शॉर्टकट, जैसे कि आज के स्टेप्स है, ये फोन कॉल का फीचर है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉलिंग का फीचर, जो भी कॉन्टैक्ट आपने ऐड किए हैं कॉन्टैक्ट में शो करेंगे, ये रहे आपके 8 कॉन्टैक्ट्स। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो सिंपली आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। फिर यह डायल पैड, तो आप यहां से किसी भी नंबर को डायल करके कॉल कर सकते हो बड़ी आसानी से। आप इन सिंबल्स को भी ऐड कर सकते हो, तो आपको उस नंबर पे लॉन्ग टैप करना है स्टार हैश और प्लस को ऐड करने के लिए, इस तरीके से लॉन्ग टैप कीजिए तो जो सिंबल्स होंगे ऐड हो जाएंगे। और ये है रिसेट, मतलब कि आपके पिछले 4 कॉल्स यहां पे शो करेंगे, अगर आप चाहो तो इन्हें यहां से टैप करके भी कॉल कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद है AI वॉइस, मतलब कि वॉइस असिस्टेंट, तो आपके फोन में गूगल असिस्टेंट, बिक्सबी या सीरी है तो उसका यूज आप कर पाओगे। आपको टैप करना है हाउ इज द वेदर टूडे, हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच में कॉलिंग का फीचर ऑन होगा। इसके आगे है हार्ट रेट और SP2 को मेजर करने का ऑप्शन, टैप करके आप उन्हें मेजर कर सकते हो। यह है वेदर, तो आज का वेदर और आने वाले अगले 6 दिन का वेदर आप चेक कर पाओगे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के साथ। इसके आगे है शटर, तो उसके लिए आपको दाफिट ऐप को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ये फीचर काम करेगा। तो आप टैप करोगे तो आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, फिर आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर पाओगे अपने फोन में। इसके आगे है म्यूजिक प्लेयर, तो प्ले पे टैप कीजिए, म्यूजिक प्ले होगा आपकी वॉच में। अगर प्ले नहीं हुआ तो आपको अपने फोन में म्यूजिक प्लेयर को ओपन करना है, प्ले करना है, इसके बाद प्ले कीजिए तो प्ले होगा। नेक्स्ट प्रीवियस आप कर सकते हो, वॉल्यूम आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है आपकी वॉच में, लेकिन अगर आप चाहते हो म्यूजिक प्ले हो मेरे फोन में तो उसके लिए आपको जाना है आपके फोन के BT सेटिंग्स में, तो B पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहां पे शो करेगा फायरबोल्ट 100 ऑडियो। गियर के आइकन पे आपको टैप करना है, जो ऑडियो है आपको उसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर आप प्ले करोगे म्यूजिक को तो प्ले होगा आपके फोन में। तो आपको एक चीज याद रखनी है, आप जो भी मीडिया प्ले करोगे आपके फोन में, फिर चाहे कोई भी म्यूजिक हो, वीडियो हो या यूट्यूब हो, तो उसका साउंड प्ले होगा आपकी वॉच में अगर आपने ऑडियो को ऑन किया हो तो। अगर आप चाहते हो आप कोई भी मीडिया प्ले करो तो उसका साउंड हमेशा फोन पे ही प्ले हो, तो आपको ऑडियो को ऑफ करना है। और होम पेज पे अगर आप स्वाइप राइट करोगे तो आपको मिलेगा मेन मेनू, जैसे कि स्टेप्स है, स्लीप, फोन, AI वॉइस, हार्ट रेट, ट्रेनिंग, यहाँ पे है वर्कआउट मोड, यहाँ पे आपको शो करेंगे 20 वर्कआउट मोड, हालांकि आपको मिलते हैं ऑप्शंस 123 स्पोर्ट्स मोड। तो अगर आपको किसी को भी ऐड करना हुआ तो नीचे आपको जाना है, नीचे मिलेगा आपको प्लस का साइन, उस पर टैप कीजिए, जिस कैटेगरी में से आपको स्पोर्ट्स को ऐड करना है उस पर आपको टैप करना है, फिर आपको उसे ओपन करना है। आपको ऐड करना है तो प्लस के साइन पर टैप कीजिए, मैं करूंगा क्रिकेट को ऐड, इसके अलावा बॉलिंग को ऐड और हॉकी को ऐड, तो मैंने 3 ऐड किए नए। तो अगर आप जाओगे बैक तो आपको ऊपर में शो करेंगे जो आपने 3 नए ऐड किए हैं, हॉकी,
बॉलिंग और क्रिकेट, आप जितने नए ऐड करोगे उतने पुराने नीचे से रिमूव होते जाएंगे। आपको यहाँ पे शो करेंगे 20। अगर आपको इनमें से किसी को भी स्टार्ट करना हुआ तो आपको इस पर टैप करना है। आपको शो करेंगे आपके स्टेप्स, किलो कैलोरी एनर्जी, आपका हार्ट रेट और ये है आपका टाइमर। इसके अलावा आपका रियल टाइम हार्ट रेट और उसका जोन। आप यहाँ से इस तरीके से रिज्यूम कर सकते हो, पोज कर सकते हो और इसे एंड भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपका डेटा सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। इसके बाद है SPO2, वेदर, शटर, प्लेयर, ब्रीद और गेम। गेम में आपको शो करेंगे यहाँ पे 2 गेम्स, यंग बर्ड और 2048। दोस्तों तो ये था फायरबॉल फिनिक्स प्रो स्मार्ट वॉच का फुल सेटअप गाइड। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।